Dear student, in this video, I will explain you about velocity time graph. In short, में हम इसे कहते हैं BT graph. ठीक है, a graph which gives the relationship between velocity and time. एक graph ऐसा graph जो हमें relation देता है velocity और time में, वो हमारा BT graph कहलाता है. तो BT graph can be drawn under different condition. BT graph जो होते हैं, different conditions होती हैं उनकी. लेकिन उससे पहले आई नो दैट टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसे आप नोट पॉइंट कहेंगे, वो क्या हैं. फर्स्ट पॉइंट यही है उसमें कि द स्लोप ऑफ द पीटी टाइम ग्राफ, द स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ गिव्स क्या देता है हमें, एक्सीलरेशन देता है ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी. तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता था हमें, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता था हमें वेलोसिटी. तो स्लोप ऑफ बीटी ग्राफ हमें दे रहा है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, सेकेंड पॉइंट है द एरिया अंडर ए बीटी ग्राफ, द एरिया अंडर पीटी ग्राफ गिव्स क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो द एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. वो बोथ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे लर्न कर लेंगे. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है बीटी ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में चेंज क्या है, जीरो है, तो उसका एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ये ग्राफ है, ये कैसी होगा उसकी लाइन, ये कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन विद द पैरेलल एक्सिस के. ठीक है, अब ये हमारे पास जो ग्राफ दिख रहा है, ये इस ग्राफ के एरिया से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, और इस मूविंग ऑब्जेक्ट की हमें क्या दे सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड के, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे सकता है. जैसे वेलोसिटी इक्वल क्या होता है फार्मूला, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब हमें मैग्नीट्यूड किसका निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का. डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को बी से करते हैं, इस टाइम को टी से करते हैं. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल क्या हो जाएगा, बी इंटू टी, यही तो हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट, अब बी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, टाइम कितना है, ठीक है, टाइम कितना है यहाँ से, ये सपोज करो टाइम T1 है और यहाँ टाइम लास्ट में पहुँचा, ये क्या हो गया, T2 हो गया. ठीक है, तो टाइम हमारे पास रहेगा T2, यानी टाइम में जो चेंजिंग, T माइनस T1. ठीक, तो ये है क्या, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये बन गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए वी सी डी. ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये आया, और यही एरिया हमें मिल रहा है. डिस्प्लेसमेंट क्या हमें शो कर रहा है इस ग्राफ से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए वी सी डी. ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जो
चेंज इन वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, जीरो। सपोज करो इसमें हमसे एसीलरेशन पूछ ले, एसीलरेशन कितना होता है, तो एसीलरेशन इस कंडीशन में एसीलरेशन फार्मूला होता है एसीलरेशन इक्वल चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा एक्स और डेल्टा डेल्टा बी सॉरी चेंज इन वेलोसिटी होता है और डेल्टा टी, ये तो फार्मूला होता है एसीलरेशन में डेल्टा बी। अब ये हमारी वेलोसिटी सपोज करो बी वन है, यहाँ वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी क्या हो गई बी वन और ये वेलोसिटी क्या हो गई बी टू, ठीक है हमने बी वन एंड बी टू ले ली ठीक। लेकिन यहाँ पार्टिकल है ही नहीं, पार्टिकल है कहाँ हमारे पास, सिर्फ वेलोसिटी यही है इसकी ठीक है ये, तो यहाँ वेलोसिटी देख रहे हो कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी में मतलब वेलोसिटी चेंज कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हमारे पास कुछ भी सपोज करें टी टू माइनस टी वन, तो टी टू कितना है जीरो, फाइव माइनस वन यानी फाइव माइनस वन या फाइव माइनस जीरो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये जीरो ही आएगा ठीक है, तो जीरो आया तो एसीलरेशन कितना आ गया, एसीलरेशन भी जीरो आया ठीक है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन, इस कंडीशन में पूछ ले आपसे एसीलरेशन क्या होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो एसीलरेशन होगा पार्टिकल वो बॉडी का वो होगा जीरो ठीक है। और ये ग्राफ, ग्राफ हमें क्या देता है, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट ओके।